मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग करेंगे आपके पाठ 31 तांगे वाला के प्रश्न उत्तर। उस दिन आप सबने तांगे वाला पाठ के कठिन शब्द किए थे, तो आज मैम आपको उसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और पेंसिल शार्प कीजिए और मैम के साथ में सबसे पहले डेट डालिए, डे डालिए, हेडिंग डालिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आप यहां पे लिखेंगे कक्षा कार्य, सभी बच्चों का वर्क पूरे हेडिंग्स के साथ होना चाहिए। बिना हेडिंग का वर्क मैम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज अब आपका एक काफी आप एक समय कंप्लीट कर चुके हैं अपना फर्स्ट में, अब आपको सेकंड में जाना है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट क्लास। ओके, कोई लीनियंसी नहीं चलेगी, कोई लापरवाही नहीं चलेगी, वर्क करना है, ठीक से करना है। ओके, तो आइए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है तांगे वाले का नाम क्या था। ठीक है, तांगे वाले का नाम क्या था? तांगे वाले का नाम बाकेलाल था। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन वैसे लिखना है तांगे वाले का नाम क्या की जगह आप चेंज करेंगे बाकेलाल था। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको लिख दिया, प्रश्न एक भी लिखना है आपने। ठीक है, तांगे वाले का नाम बांके लाल था। ठीक है, क्या था तांगे वाले का नाम? बांके लाल। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है आंगन में क्या लगा दी गई। ठीक है, आंगन में क्या लगा दी गई, क्या लगा दी गई थी आंगन में बताओ? आंगन में चार पाइयां लगा दी गई। ठीक है, क्या लगा दी गई आंगन में? चार पाइयां, चार पाइयां। ठीक है, अब आप यहां पे लिखेंगे आंसर आंगन में चार पाइयां लगा दी गई। ठीक है, दादी जी ने अंगीठी पर क्या बनाया, ये है हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, यहां पे लिखेंगे प्रश्न दो, अब यहां पे लिखेंगे प्रश्न तीन, दादी जी ने पर क्या बनाया, क्या बनाया था दादी जी ने अंगीठी पर?
गरम गरम पराठे, है ना। दादी जी ने अंगीठी पर गरम गरम पराठे बनाए। अगर आप ये पूरा लिखोगे तो आपको बड़ा पड़ेगा, इसलिए इसमें हम सिर्फ लिखेंगे गरम गरम पराठे, ठीक है। गरम गरम पराठे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न 3, ठीक है। इसके बाद में बस अब आपको इसमें इतने ही 3 प्रश्न ही लिखने हैं, और आपकी जो बुक एक्सरसाइज है उसमें आपको पेज नंबर 84, ठीक है, 84 में आपको प्रश्न नंबर 3 करना है सिर्फ, प्रश्न नंबर 2 नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसमें अनुस्वार और अनुनासिक है तो वो अभी नहीं करना आपको, वो नेक्स्ट टर्म में करना, ठीक है। तो अभी आपका बस इतना ही है हिंदी के अंदर, आपको ये कंप्लीट करके रखना है, उसके बाद में हम मैम बताएंगे कि रिवीजन कैसे करनी है। ओके, सो एवरीवन विल कंप्लीट द वर्क एंड सेंड इट टू मी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।